नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्या भारती के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के मौके पर कहा कि शिक्षाविद हो, विद्वान हो, जानकार हो, विशेषज्ञ हो, शिक्षा नीति कैसी हो और उसका संचालन कैसा हो, यह दायित्व भी उनको संभालना चाहिए। हम लोगों ने एक शिक्षा समूह बनाया है। मैं मानता हूं कि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर भी रही है और कर भी सकती है। छठवीं क्लास से ही हम व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। नई शिक्षा नीति में हम कौशल देंगे जिससे उनके हाथों में इतना सामर्थ्य तो आ जाए कि वह आजीविका चलाने में सक्षम हो जाएं। भारतीय परंपरा में आज से ही नहीं अनादिकाल से अगर गुरुकुल भी पढ़ने जाएं तो बेहतर मनुष्य, बेहतर नागरिक बनकर कैसे निकलता है। आज भी हमारे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर या विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में संस्कार देने का काम चल रहा है। जितने सद्गुणों की कल्पना हमने की है, अच्छा नागरिक उसको बना पाएं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, वह देश के लिए जिए, समाज के लिए, औरों के लिए भी जिए, नागरिकता के संस्कार उसमें हों। विद्या भारती जैसी संस्थाएं, सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार का समाज के लिए दायित्व सुचारू रूप से संचालित होता रहे, इसमें सहयोगी बने। सारा खेल प्रशिक्षण का है। अगर ठीक दिशा हमने दे दी अपने बच्चों को तो वह बेहतर नागरिक बनेंगे। मुझे विश्वास है यह केवल भवन नहीं रहेगा, यहाँ शोध, अनुसंधान और प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम भी होंगे। विद्या भारती से संबंध विद्यालय शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देंगे, बल्कि सरकारी शिक्षा को भी ठीक दिशा देने में सफल हो पाएंगे। विद्या भारती जैसी संस्थाएं, सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए सरकार का समाज के लिए दायित्व है कि ये सुचारू रूप से संचालित होते रहें, इसमें सहयोगी बने। और विशेषकर अक्षरा की जो कल्पना है, क्योंकि सारा खेल है प्रशिक्षण का, अगर ठीक दिशा हमने दे दी अपने बच्चों को तो बेहतर नागरिक बनेंगे। जो हमने कल्पना की, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, देशभक्त, कर्मठ, और अगर सही दिशा नहीं दी, वो प्रशिक्षण से ही आती है, वो सिखाने से ही आती है, वो कई तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के आयोजन से, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में हम देखते हैं, उससे ही आती है। तो यहाँ पे अक्षरा में प्रशिक्षण का, शोध का जो काम किया जाएगा, मैं मानता हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए मुझे विश्वास है कि ये केवल भवन नहीं रहेगा, यहाँ शोध, अनुसंधान और प्रशिक्षण के ऐसे कार्यक्रम चलेंगे जो न केवल विद्या भारती से संबंध विद्यालयों के शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देंगे, बल्कि सरकारी शिक्षा को भी ठीक दिशा दे पाने में सफल हो पाएंगे। शिक्षा केवल सरकार के हाथों में नहीं होनी चाहिए। पहले भी जैसे ऑटोनॉमस बॉडी की हम लोग कल्पना करते थे, जो विद्वान हो, शिक्षाविद हो, विशेषज्ञ हो, जानकार हो, शिक्षा नीति कैसी हो, उसका संचालन कैसे हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वो दायित्व उनको संभालना चाहिए। मेरे शिक्षा मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी बैठे हुए हैं, बाकी मंत्री साथी भी है। हम लोगों ने एक शिक्षा समूह बनाया जिसमें शिक्षा भी है, तकनीकी शिक्षा भी है, चिकित्सा शिक्षा भी है, स्कूली शिक्षा भी है, सारी शिक्षाओं को जोड़ के। और हमने कल्पना यही की है कि ये शिक्षा केवल सरकार के कुछ अफसर संचालित करेंगे, ये नहीं होगा। जो इस विषय के जानकार है उनसे परामर्श करके, उनसे मार्गदर्शन लेके हम अपनी शिक्षा की प्रणाली में, नई शिक्षा नीति तो आगे, और मैं जानता हूँ विद्या भारती का भी उसमें, उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उसको कैसे हम क्रियान्वित करें, उसके लगातार हम लोग स्कूली शिक्षा के भी स्तर को कैसे बेहतर करें, अनेकों कल्पनाएं की है, उसके बारे में समय समय पर विद्वानों से चर्चा भी होती रहती है। तो बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि समाज के जो इस दिशा में सोचने वाले विशेषज्ञ हैं, उनका काम है और उनका मार्गदर्शन निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि विद्या भारती इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर भी रही है, कर भी सकती है, और इसलिए आगे पाठ्यक्रम बनाने का सवाल हो या शिक्षा को और कौन सा स्वरूप देना है, छठवीं से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करना है तो उसका स्वरूप क्या हो। तीसरी महत्वपूर्ण चीज और वह कौशल देना। अभी नई शिक्षा नीति की बात
आदरणीय रामकृष्ण जी कर रहे थे उसका एक महत्वपूर्ण अंग है कौशल देना, और छठवीं क्लास से ही व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना। हमारे यहाँ जो सरकारी शिक्षा की कल्पना हुई उसमें ज्ञान देने की बात तो खूब, अब ज्ञान भी कई बार आधा अधूरा अधकचरा, अलग अलग सोच और दृष्टियों से ज्ञान देने की भी कोशिश हुई। इतिहास को भी गलत तरीके से पढ़ाने की कोशिश हुई, महापुरुषों के जीवने में भी भेदभाव दोस्तों उसके विस्तारों में नहीं, आधा अधूरा अधकचरा ज्ञान। लेकिन जहां तक दूसरी चीज है नागरिकता के संस्कार, मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के आने के पहले 1986 में एक शिक्षा नीति बनी थी, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, एक नहीं अनेकों आयोग, लेकिन उसमें ये दो महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें तीनों का समावेश, कौशल मतलब कम से कम हाथों में इतनी कुशलता तो आ जाए कि शिक्षित होने के बाद वो अपनी आजीविका चलाने का सामर्थ्य प्राप्त कर पाए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।